अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन करिकुलम, यानी कि करिकुलम में जो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चीज होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन करिकुलम क्या चीज है, उसके बाद में इसके जो चार पांच मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या चीज, ठीक है। तो कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट सच अ वे दैट दैट इट, ठीक है, सच अ वे दैट इट मे इंश्योर ठीक है, मे इंश्योर द इफेक्टिव लर्निंग फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स मे बी फॉलो टू ऑर्गेनाइज कंटेंट मे बी फॉलोड टू ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट, ठीक हो गई। अब देखिए कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन करिकुलम ये इसमें कहता है कि कंटेंट इज ऑर्गेनाइज इन सच अ वे दैट इट मे इंश्योर द इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग कैसे होगी, क्या चीज, किस तरह के कंटेंट्स होने चाहिए करिकुलम जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी स्कूल में आपके पास इफेक्टिव लर्निंग हो। तो उसमें कहता है कि फॉलोइंग प्रिंसिपल्स मे बी फॉलो टू ऑर्गेनाइज कंटेंट, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये प्रिंसिपल्स आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो इनको आपने देखना है। पहला है, ठीक है, पहला प्रिंसिपल है आपके पास ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहला जो है वो आपने ये करना है जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपने प्रिंसिपल फॉलो करना है वो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको इसको बता दू, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो इजी है। इसका मतलब होता है कि प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस या आप कह सकते हैं ये पीछे हिस्टोरिकल, ठीक है, प्रीवियस या हिस्टोरिकल इवेंट्स जो प्रीवियस या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए लिंक्ड, उनको लिंक्ड करना है, ठीक है। लेटेस्ट किसके साथ, लेटेस्ट नॉलेज, ठीक है, किसके साथ, लेटेस्ट नॉलेज, यानी कि आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि प्रीवियस जो हिस्टोरिकल या प्रीवियस इवेंट्स हैं उनको लिंक करना है लेटेस्ट नॉलेज के साथ, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है, तीसरे में कहता है कि आपके पास के होल टू पार्ट लर्निंग, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम होल टू पार्ट लर्निंग का मतलब होता है मुकम्मल से जुज़वी, उसको उर्दू में ये भी कह सकते हैं, यानी कि मुकम्मल से जुज़वी की तरफ आपने मूव करना है, ठीक है, इस तरह की लर्निंग होनी चाहिए इसमें। उसके बाद फोर नंबर है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ये होना चाहिए इसमें फोर पॉइंट, इस तरह से आपने करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। उसके बाद फाइव नंबर कहता है कि इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास ये कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इन करिकुलम थी।